हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसे आई शैडो पैलेट विच आर सुपर अफोर्डेबल एंड वो आपको इजिली इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वो पे भी आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट योर लेन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपने फर्स्ट आई शैडो पैलेट से, विच इज दिस वन। दिस इज द स्विस ब्यूटी सिलेक्ट आई शैडो पैलेट। स्विस ब्यूटी ने ना अपनी न्यू रेंज निकाली है स्विस ब्यूटी सिलेक्ट करके, जहां पे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है ना, लाइक प्रीमियम मेकअप प्रोडक्ट्स जो वो लॉन्च करने वाले हैं। सो उनके इस रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर चुके हैं, बट यहाँ पे आई शैडो पैलेट की बात हो रही है ना, तो अगर मैं इस पैलेट की बात करूं, मेरा इसमें शेड है शेड नंबर 02, दैट इज फास्ट नाइट्स, एंड 10 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन 23-27 तक यूज कर सकते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। पैलेट की अगर बात करें ना, द क्वालिटी इज वेरी नाइस। आई शेडोज आप देख सकते हो, यू आर गेटिंग अ मिक्स एंड मैच ऑफ मैट, शिमरी एंड फॉयल आई शेडोज। लेट्स जस्ट गो विद वन मैट एंड वन शिमरी शेड हर पैलेट में से, ठीक है। सो इस पैलेट में से मेरे को ये पिंक शेड जो है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक कलर विच इज सो प्रिटी, एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉयली शेड विच इज दिस वन। सो इन दोनों का मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। ट्रस्ट मी, दिस पैलेट इज सो गुड। बहुत ही कम इसका फॉल आउट होता है। दिस इज द पिंक शेड एंड देन देयर वी हैव दिस ब्यूटिफुल शिमरी शेड। जस्ट टेक अ लुक एट दैट पिगमेंटेशन। बहुत ही कम फॉल आउट है, बहुत ही अच्छे तरीके से कलर प्लेसमेंट होती है, और इसकी जो कम्प्लीट वीडियो मैंने बना रखी है ना, उसका लिंक भी मैं आपको डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्विस ब्यूटी के ना एक्चुअली मेरे पास 4 पैलेट्स है 10 में से, ठीक है। तो सबसे पहले स्विस ब्यूटी के पैलेट्स की ही बात कर लेते हैं। सेकेंड पैलेट जो है मेरे पास वो है ये, दिस इज द स्विस ब्यूटी ड्यूअल पासपोर्ट आई शैडो पैलेट। मेरा जो इसमें शेड है ना, वो है 03 पार्टी रेडी। नाउ अगेन दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन 23-27 तक आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इट सेज कि इसमें मेटालिक आई शैडो है, मैट आई शैडो है, सॉफ्ट और एक बोल्ड ब्लश। तो इट्स बेसिकली अ फुल फेस किट, बिकॉज यहाँ पे आपको आई शैडोज मिल रहे हैं और ब्लश भी मिल रहे हैं। ये 4 आपको आई शैडो मिल रहे हैं, जिसमें से 2 मैट है, 2 शिमरी, एंड यू आर गेटिंग 2 ब्लश शेड्स, जिसमें से एक यहाँ पे ब्लश जो है वो मैट है, एंड दिस लाइट ब्लश हैज अ लिटिल बिट ऑफ शिमर इन इट, ठीक है। सो अगर इस आई शैडो की बात करें, यहाँ पे मैं पिक करने वाली हूँ ये वाला मैट शेड। ओ माय गॉड, दिस इज सो सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, एंड आई एम गोइंग टू पिक दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शिमरी शेड, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। ट्रस्ट मी, दीज आर बटरी स्मूथ एंड सॉफ्ट। जस्ट टेक अ लुक एट दैट। ये हल्का सा पाउडरी है, दैट इज द ओनली थिंग, बट ओनली बिकॉज मैंने इसको फिंगर पे पिक किया था, दैट इज वाई। अगेन आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है दोनों के दोनों शेड्स, एंड वन थिंग विच आई एम लविंग द मोस्ट इज दैट कि आप इन दोनों शेड्स को मिक्स एंड मैच करके भी एक ब्लश शेड क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट एज आई शैडो ऑब्वियसली। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज दिस वन, विच इज द स्विस ब्यूटी लस्टर आई शैडो पैलेट। इट सेज लस्टर आई शैडो पैलेट, सेम थिंग विच आई सेड अर्लियर। 5 ग्राम्स की क्वांटिटी है, अगेन मैन्युफैक्चर्ड इन 23-27 तक यूज कर सकते हो। मेरा जो इसमें शेड है वो है 02 न्यूड एडिट। फर्स्ट जो मैंने आपको स्विस ब्यूटी सिलेक्ट कर दिखाया था ना, उसमें मेरा शेड था 02 फास्ट नाइट, मैं आपको शेड बताना भूल गई थी। ये एक 4 शेड वाला इस तरीके का आई शेडो है, एंड दीज आई शेडोज आर लाइक सुपर ट्रैवल फ्रेंडली। इसमें न्यू शेड्स ही हैं, 2 मैट हैं एंड 2 शिमरी शेड्स हैं। इस तरीके के पैलेट ना बहुत सही रहते हैं अगर आपको आई शेडोज लगाना बहुत अच्छा लगता है, एंड कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक डिफरेंट सा छोटा सा कुछ आई शेडोज तरीके का चाहिए होता है, कि आप ट्रैवल के टाइम पे सिर्फ एक चीज कैरी कर लो एंड लिटरली आपका पूरा काम बन जाए। तो इस तरीके के छोटे पैलेट्स बहुत हैंडी रहते हैं। इसमें से आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर एंड दिस गोल्डन कलर। अगर इसके स्वॉच की बात कर ली जाए, अगेन यू कैन टेक अ लुक एट दैट पिगमेंटेशन, इट इज सो इनसेन। स्विस ब्यूटी एक्चुअली में बहुत अमेजिंग आई शेडो पैलेट बनाता है, और मेरे पास स्विस ब्यूटी के बहुत प्रोडक्ट्स है, दैट इज वाई यहाँ पे मेरे पास 4 पैलेट्स थे, तो मैंने सोचा चारों पहले स्विस ब्यूटी के ही पैलेट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट पैलेट जो है मेरे पास वो है ये, दिस इज द स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। इसके अंदर बहुत सारी शेड रेंज है, लिटरली आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आपको जिस तरीके की कलर प्रेफरेंस चाहिए, आप अपना एक परफेक्ट शेड ढूंढ सकते हो। मेरे पास जो यहाँ पे शेड है ना, दैट इज 02, और ये मैंने पहले लिया था, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन 22, और आप इसको 26 तक यूज कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट इनके पैलेट्स के जो लाइफ टाइम होता है ना, वो 4 साल का तो होता ही होता है। यू आर गेटिंग अमेजिंग 9 शेड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 शिमर शेड्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ देम आर टोटली मैट। आई लव दिस शेड सो मच। इसमें से ना मैं आपको सबसे जो अट्रैक्टिव सा कलर है वो दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट टेक दिस पिंक शिमरी शेड, बिकॉज इट्स वेरी वेरी प्रिटी, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक शेड।
Whenever I have to do like a very simple do makeup, I just use this light pink and this shimmery pink on my lid and I'm literally good to go. मेरे को ये दोनों ही shades बहुत amazing लगते हैं. This is the pink matte shade which is very pretty and this dark pink shade. Just take a look at that. This is so gorgeous. ये थे मेरे Swiss Beauty के चार eyeshadow palette. अब बात करते हैं दूसरे palettes की. जैसे first up है ये. This is the Rene Fearless palette. और इसमें जो मेरा shade है ना वो है nude. इसमें भी आपको 4 to 5 shades मिल जाते हैं. जैसे pink हो गया, purple हो गया. मैंने यहाँ पे nude वाला shade लिया है. And 24 में manufactured है. 27 तक use कर सकते हो. 12 grams की आपको quantity यहाँ पे मिल रही है. Rene का eyeshadow palette, trust me, are so pigmented. मेरे को एक धोखा हो गया जब मैंने इसको purchase किया था ना. उसपे जो shimmery shade था ना वो इस तरीके से दिखा था जैसे एक foily glittery shimmery shades होते हैं, but these are simple shimmer shades. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये 3 shimmer shades मिल रहे हैं और बाकी के जो 6 shades हैं वो matte हैं. Now because this is a nude palette, it's perfect for everyday basis. Like इसमें सारे ही light colors हैं. आप इस shade की help से अपनी brows को fill in कर सकते हो, इसकी help से आप highlight कर सकते हो या पूरी eyelid पर इसको place कर लो. Very very nice. ठीक है, इसमें से ना मैं आपको ये वाला शेड जो है डार्क ब्राउन ये दिखा देती हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल कलर एंड देन आई एम सीइंग दिस प्रिटी गोल्डन कलर हियर. ओ माय गुडनेस, द गोल्डन कलर इज सो पाउडरी स्मूथ. बहुत ही बटरी स्मूथ सा टेक्सचर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दिस इज हाउ द ब्राउन कलर लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ द गोल्डन लुक्स लाइक. वुड यू टेक अ लुक एट दैट. बहुत ही प्रिटी है ना, तो आई शेडोज और नॉट दैट पाउडरी. उतने ज्यादा पाउडरी नहीं है, बहुत ही अमेजिंग पिगमेंटेशन है. फॉल आउट बहुत ज्यादा नहीं है एंड रिजल्ट बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. आई रियली रियली लाइक दैट. नेक्स्ट आई शेडो पैलेट है फ्रॉम स्टेज 9 to 9. ये है 9 to 9 ओ माय आई शेडो पैलेट. ठीक है, ये लिखा है कि 12 वाला है बट ऑब्वियसली आई शेडो से टिक ही जाते हैं. ये मैन्युफैक्चर्ड है 23 में एंड इसमें लिखा है 36 मंथ, दैट मीन्स 3 ईयर्स. तो आप इसको 26 तक इजिली यूज कर सकते हो एंड 11 ग्राम की आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है. बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है, ट्रस्ट मी. आप इसको जब परचेज करते हो ना आपके पास ये आता है. दिस इज सो स्लीक एंड अगेन यू आर गेटिंग अ मिक्स एंड मैच ऑफ मैट एंड शिमरी शेड्स. यहाँ पे आपको 4 शिमर शेड्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड रेस्ट ऑफ देम आर मैट शेड्स. ठीक है, ये वाला भी पैलेट बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. लाइक इसका जो ये ब्यूटिफुल सा ब्रॉन्जी सा शेड है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच. इसका हम ये वाला शेड पिक कर लेते हैं, दिस अमेजिंग अमेजिंग पिंक शेड. और इसका आई फील लाइक वी शुड ट्राई दिस ब्रॉन्जी शेड, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है. ये वाला पैलेट भी जो है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच. This is how the shimmery shade looks like and this is how the matte shade looks like. You can take a look at that pigmentation. I am loving the pigmentation of all the eyeshadow palettes. Like क्या होता है ना कि कई palettes ऐसे होते हैं जिनमें matte की pigmentation अच्छी होती है, shimmery की अच्छी होती है, but कई में दोनों की ही नहीं होती. इसलिए मैंने try किया कि मैं सिर्फ वो palettes यहाँ पे include करूँ जो travel friendly हो, affordable budget में हो, but जिनकी pigmentation shimmery और matte दोनों की ही बहुत ही amazing होनी चाहिए. Next eyeshadow palette is from Nykaa. ये है नायका का आई कलर पैलेट. ठीक है, इसमें जो मेरा शेड है ना वो है डिस्को डांसिंग. 22 में मैन्युफैक्चर है, 25 तक यूज कर सकते हो. ये भी इस तरीके के छोटे 4 शेड्स वाले हैं. इसमें बहुत सारे शेड्स है, लाइक लिटरली 12 to 13 शेड्स है. बिकॉज 12 नंबर शेड तो मेरे पास ही यहाँ पे है. आपको न्यूड शेड चाहिए, पिंक शेड चाहिए, गोल्डन चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लैक गोल्डन चाहिए, जो भी चाहिए. आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय दिस पर्पल कलर और इसको यूज करके मैंने एक बार एक ब्राइडल लुक भी क्रिएट किया था जो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था. बिकॉज आप क्या कर सकते हो ना, इसको अपनी आउटर वी पर प्लेस करके इसे ब्लेंड कर लो या तो इसको पूरी लेट पर लगा लो, इसको लगा लो. बहुत ही प्रिटी है. लेट मी जस्ट शो यू. यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैट शेड है और इसी के ही पर्पल का ही मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ. बिकॉज बाकी दोनों तो नॉर्मल है ना, वो तो आप ऐसे भी इजिली भी ट्राई आउट कर सकते हो. फर्स्ट अप इज दिस ब्यूटिफुल शिमरी शेड एंड टेक अ लुक एट दैट गाइस, दिस इज सो प्रिटी. और यहाँ पे आपको इस तरीके का पर्पल शेड मिल जाता है. आई रियली लाइक इट. दोनों की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है एंड इस तरीके के छोटे छोटे पैलेट्स है ना बहुत सही रहते हैं. अगर आपको डेली बेसिस के लिए चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट पैलेट जो है ना मेरे पास वो है फ्रॉम इनसाइड. दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. दिस इज द इनसाइड आई शेडो पैलेट, विंग्ड आईज आई शेडो पैलेट. और मेरा जो इसमें शेड है ना वो है ड्रीमी. इसमें पीछे कुछ ऐसे मेंशन नहीं कर रखा, सिंपल सा शेडो पैलेट यहाँ पे आपको मिल रहा है. नाउ अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको 8 आई शेडोज मिल रहे हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 शिमर है और 4 मैट है. यू कैन टेक अ लुक एट दैट. ये वाला भी जो ड्रीमी शेड है ना, दिस इज मोर फॉर लाइक डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड बहुत सही पैलेट है. इसमें से आई फील लाइक ट्राइंग दिस मैट शेड, ये बहुत ही
अमेजिंग सा लग रहा है एंड दिस गोल्डन शेड अगेन वेरी पाउडरी स्मूथ, बहुत ही अमेजिंग से लग रहे हैं, पाउडरी स्मूथ लग रहे हैं. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच लाइक दिस बिकॉज ऐसे उल्टे हाथ से हो नहीं पा रहे मुझसे स्वॉचेस. दिस इज द शिमरी गोल्डन शेड एंड दिस इज द मैट शेड. वुड यू टेक अ लुक एट दैट मैट शेड की पिगमेंटेशन? आप देखोगे ना यू विल बी शॉक्ड, इतना अमेजिंग पिगमेंटेड है ना ये. एंड इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉवी डेली के लिए कलर मिल रहा है, आप इसको लिड पर प्लेस कर सकते हो, बहुत अच्छे खासे कलर्स हैं. I really like the pigmentation. और अगेन ये भी छोटा सा है तो ट्रैवल में बहुत फ्रेंडली रहता है. नेक्स्ट आई शेडो पैलेट इज फ्रॉम मार्स. दिस इज द मार्स आई शेडो पैलेट और दिस इज द मेस्मराइज आई शेडो पैलेट. मेरा जो इसमें शेड है ना, शेड यहाँ पे मेंशन करने ही रखा, बट दिस इज मैन्युफैक्चरिंग 23 और आप इसको 28 तक यूज कर सकते हो. दैट मीन्स 5 ईयर्स फॉर एन आई शेडो पैलेट इज ग्रेट. ठीक है, सो वेन यू ओपन इट अप यू कैन टेक अ लुक एट दैट. दिस इज सो गुड गाइज. यहाँ पे आप लिटरली देख सकते हो एक ग्लिटरी शेड है. यू आर गेटिंग 2, 3, 4, 5, 6, 6 to 7 शिमरी शेड्स मिल रहे हैं, रेस्ट ऑफ देम आर मैट. एंड क्योंकि ये डेली बेसिस में भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कुछ अमेजिंग से पॉपिंग कलर्स भी हैं, ब्लैक कलर भी है, तो आप इससे थोड़ा सा एक स्मोकी या फिर वी कैन से अ डार्क आई मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हो. आई रियली वॉन्ट टू ट्राई आउट दिस शेड. ये बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है, बहुत वैक्सी सा है ये. आई फील लाइक इट्स ए लूज ग्लिटरी टाइप ऑफ शेड. लेट मी जस्ट शो यू, ये इस तरीके का कुछ है. ओके, दिस इज सो प्रिटी गाइस. आई रियली फील लाइक पुटिंग इट ऑन माई आईज. आई रियली वॉन्ट टू. हल्का सा ऐसे ही हम अप्लाई करके देख लेते हैं. दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. इसको दूसरी आईज पर भी लगाते हैं. ओके, आई रियली लव दिस, लव 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 दिस. ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब दूर से लग रहा होगा आपको हल्का सा लश लश. सो दिस इज वेरी अमेजिंग. आप इसको किसी भी आई शेडो के ऊपर यू नो प्लेस कर सकते हो. एंड इफ आई से अगर शिमरी शेड्स की बात कर ली जाए ना, तो शिमरी शेड्स बहुत अच्छे से हैं. इसमें मेरे को ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक सा कलर दिख रहा है. अगेन बटरी स्मूथ, दे आर वेरी 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 स्मूथ. जस्ट टेक अ लुक एट दैट. द पिगमेंटेशन इज सो इनसेन और कितने फाइन शिमरी शेड्स है इसके अंदर. एंड द लास्ट आई शेडो पैलेट अगर मैं बात करूँ, इट हैज टू बी दिस वन फ्रॉम मार्स. दिस इज द मार्स जश्न शिंगारा पैलेट, जश्न शिंगार बेसिकली. इसमें आपको मिलती है कितनी, 36 ग्राम की क्वांटिटी, 22 में मैन्युफैक्चर है, 27 तक यूज कर सकते हो. ग्रेट डील, 5 ईयर. एंड दिस इज ए मस्ट हैव पैलेट. अगर आप एक बिगिनर हो, यू वॉन्ट टू स्पेंड इन ओनली अ सिंगल आई शेडो पैलेट, या फिर अगर आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको एक अच्छा पैलेट चाहिए विद अ lot of matte, shimmery and glittery shades to be particular. जो loose glittery shade होते हैं, जो जिनके लिए आपको glue की need नहीं होती, आप उसको वैसे stick कर सकते हैं. You have to have this palette guys. हर shade का एक बहुत ही pretty यहाँ पे इन्होंने ना name दे रखा है, जैसे कि चंदन, शहनाई, दुल्हा, डोली, ढोल, बिदाई, काजू कतली. Kaju Katli has to be this one, which is a beautiful shimmery shade. And trust me, this is one of my most favorite shade. Like आप देख रहे हो, इसमें आपको literally ना need भी नहीं पड़ती है glue की. You can just pick it up like this, and आप इसको इस तरीके से place कर सकते हो. इसमें मैं अगर आपको और shade दिखाऊँ ना, you have this beautiful Milani shade, which is a pink glitter. मैं इसका भी आपको swatch दिखा देती हूँ. This is how it look like. अभी तो मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ. Let me just take a lot. Let me just take more product. This is how the shade Milani looks like. You can take a look at that. क्या आईज पे लगाने के बाद कितने pretty pretty लगेंगे. ठीक है, then you are getting more glittery shades, जैसे ये हो गया copper, bronze, इस तरीके का, then pink, बहुत ही beautiful shades हैं. You are also getting matte shades, shimmery shades, like you are getting this shade Bindi here. ये ना एक थोड़ा वैक्सी सा शेड है, बट अगेन इट इज वेरी वेरी प्रिटी. लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच. इस साइड पे दिखाती हूँ. This is how the shade looks like. It's a holographic shade. Oh my goodness. Would you take a look at that? This is so pretty. एक और shade swatch कर ही लेते हैं, हम सारे कर रहे हैं तो. Which is the shade Dulhan. It is again a beautiful, beautiful shade. Oh my goodness. I'm falling in love with this palette. Just take a look at that. You literally do not need another shade, like another palette. इसको लेने के बाद अगर आपको glitters place करने हैं, एक आधा और try कर लें क्या? इसके बाद आई फील लाइक विच शेड शुड वी ट्राई. ये वाला डोली शेड ट्राई कर लेते हैं ना. ये डोली शेड बहुत प्रिटी लग रहा है, दिस वन. वैसे तो ये वाला मेरे को सेम से ही लग रहे हैं, ये वाला शेड और दुल्हन शेड, बट स्टिल लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नॉट एग्जैक्टली सेम,
थोड़ा सा डिफरेंस है बट आई एम इन लव विद दिस पैलेट. वुड यू टेक अ लुक एट दैट एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस बिदाई शेड, द होलोग्राफिक शेड. दिस इज ए मस्ट हैव पैलेट. कोई पैलेट लो ना लो, ये तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए. एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. लिटरली गाइस, इसमें से आप कोई भी ले लो, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा लेने के बाद. यू वुड बी लाइक कि अच्छा ही हुआ ये वाला पैलेट ले लो, यू आर गोइंग टू लव देम सो मच. और मास्क जिसने शिंगारा तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए. सारे के सारे आई शैडोज का जैसे मैंने बोला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं मंडे टू फ्राइडे डेली 9 AM इन द मॉर्निंग अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो नोटिफिकेशन बटन को हिट कर देना सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस आर द फर्स्ट टू गेट नोटिफाइड. एंड या दैट इज इट. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.